हे हाय फ्रेंड्स, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज मेरे साथ है सीएमए प्राची तिवारी। प्राची बेसिकली प्रयागराज से है, एंड प्रयागराज जब नाम मतलब ये नाम सामने आता है तो संगम की हमें याद आती है, बिकॉज मैं भी ऑलरेडी प्रयागराज जा चुका हूँ। सो बात करते हैं आज प्राची की स्टोरी की, उस छोटे से शहर से। अभी प्राची बैंगलोर में एसेंचर में जॉब कर रही है, वहां से बैंगलोर तक की जर्नी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो हाय प्राची, कैसे हो आप? आई एम फाइन रोहन। सो प्राची, आपने जब सीएमए स्टार्ट किया था तो किसी ने आपको सजेस्ट किया था या आपने खुद से सीएमए कोर्स को ऑप्ट किया था? मैंने 11th 12th में जहाँ मैं क्लासेस लेती थी तो वहाँ के सर ने मुझे सजेस्ट किया कि एक सीएमए एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है दैट यू शुड ज्वाइन। तो मैंने उनके सजेशन से हिसाब से काम किया एंड मैंने फिर सीएमए में मतलब कि इनरोल एनरोल किया। कराया अपने आप ग्रेट। को। सो जब फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में बाई सेल्फ किया था या फिर आपने क्लासेस ली थी? नहीं, मैंने जहाँ से 11th 12th की क्लासेस ली थी उन्हीं सर के गाइडेंस में मैंने फाउंडेशन की भी प्रिपरेशन करी एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गया था। अच्छा, आफ्टर फाउंडेशन फिर आप इंटरमीडिएट में थे, तो क्या इंटरमीडिएट भी आपने फर्दर वहीं से कंटिन्यू किया या फिर आप दिल्ली मूव किए? इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पे सीएमए सिर्फ सीएमए बेसिस पे कोई क्लासेस नहीं अवेलेबल थी तो उसके लिए मुझे फिर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा, सो इंटरमीडिएट में मतलब बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किया या सिंगल सिंगल ग्रुप आपने अटेम्प्ट किया? नहीं, मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप ही अटेम्प्ट करा था एंड और फिर देन वन अटेम्प्ट ही मेरा ये क्वालिफाई हो गया था। मतलब फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, क्या चैलेंजेस आए थे? बिकॉज हम 11th 12th और फाउंडेशन की बात करें तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट इंटरमीडिएट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो कुछ चैलेंजेस आए थे? हाँ, चैलेंजेस तो बहुत आए थे। फर्स्ट चैलेंज तो ये आया था कि अपने होम टाउन से शिफ्ट होके तो दिल्ली शिफ्ट होना, तो सबसे ज्यादा चैलेंज तो ये था कि हेल्थ इश्यूज की दिक्कत आई थी। तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान दो, ताकि आप हेल्थ पे ध्यान दोगे तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। सेकेंड चैलेंज ये आया था कि मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही परस्यू करा था, तो उसके साथ साथ मैंने सीएमए परस्यू करा, तो दोनों से फोकस ज्यादा से बन नहीं पा रहा था। तो मैंने जहाँ दिल्ली से क्लासेस ली थी तो वहां के सर ने ये सजेस्ट करा कि अगर आप कहीं अगर कोई क्लासेस भी ले वो रहे हो या ब्लूटूथ फिर से कोई ना सेल्फ आवाज क्लियर नहीं स्टडी। आ रही, एक बार ब्लूटूथ थोड़ा पास मेरे को। हाँ तो हाँ आप बोलो। अब कोई क्लासेस या तो कोई क्लासेस ले रहे हैं या तो फिर कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो अपना एक शेड्यूल बनाए कि दे नीड टू बी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आप डेली आके रिवाइज करो एंड अपने डाउट को विद इन 1 वीक क्लियर करो और उसे रिवाइज करते रहो। ओके, फिर ज्यादा से ज्यादा आप अपने सीबीएसई या पेपर पे फोकस करो एंड एग्जाम से पहले मॉक्स वगैरह दो। तो उससे मुझे बेनिफिट ये मिला कि मुझे मेरे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, वो इजीली हो गया था। और उसके बाद जब इंटरमीडिएट हो गया आफ्टर डेट, सो देन फाइनल और ट्रेनिंग, ये कैसे मैनेज किया आपने? आफ्टर क्वालिफाइंग इंटर मैंने एक सीएमए फॉर्म में ज्वाइन करा, फिर उसके साथ साथ मैंने ट्रेनिंग करी, फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट थर्ड ग्रुप ही दिया था जो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने कुछ महीने के लिए ट्रेनिंग से मतलब अपने जहाँ जहाँ फॉर्म में काम करती थी मैंने ऑफ लिया वहाँ पे एंड देन मैंने बोथ ग्रुप का अप्लाई बोथ ग्रुप दिया, बट उसमें मतलब कि नहीं क्वालिफाई हो पाया। 5 मार्क्स से मेरा एक ग्रुप रह गया, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया तो फिर वो इवेंचुअली फिर वो क्वालिफाई हो गया। सो मतलब ग्रुप थर्ड में 2 अटेम्प्ट लग गए थे एंड ग्रुप 4 फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, राइट? सो आफ्टर डेट अब कैंपस की टाइम आ गई थी, क्योंकि जब इंटरमीडिएट फाइनल क्वालिफाई कर लिया। सो कैंपस की जर्नी कैसी थी? मतलब कितने कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुए, क्या हुआ कैंपस में, वो थोड़ा सा आप डेफिनेटली बताओ बच्चों को। मेरा 3 कंपनी से शॉर्टलिस्टिंग आया था, तो उसमें मैंने 2 कंपनी जैसे टाटा मोटर्स एंड टाटा प्रोजेक्ट्स की बीडी राउंड क्लियर कर लिए थे, बट पीआई मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे मेनली फोकस करना है कि आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो यू नीड टू प्रिपेयर,
या आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब चीज आपको पता रहना चाहिए। आप अपने सीनियर्स से गाइडेंस लो कि किन-किन कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है। तो ये प्रॉपरली आप प्रिपेयर करके जाओ तो आप बेटर प्लेस रहोगे एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हुआ जिन्होंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया है। तो बट मेरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाया था, मैंने फिर मेरी नहीं स्टार्ट हुई, तो मैंने फिर एक डोमेस्टिक कंपनी ज्वाइन करी। वहां पे मैंने एज अ कॉस्ट एंड इंटरनल ऑडिटर ज्वाइन करा वहां पे। तो वहां पे मैं बैक ऑफिस कॉस्टिंग देखती थी, एमआईएस एनालिसिस करती थी और इंटरनल ऑडिट हैंडल करती थी। ये आपकी फर्स्ट कंपनी थी सेंसिटिव वर्किंग जहाँ पे आपने एज ए इंटरनल ऑडिट जर्नी स्टार्ट की ऑफ कैंपस में। सो आफ्टर दैट वहाँ यस। से फिर आपने फर्दर, जैसे जब वहाँ पे टाइम कंप्लीट हुआ या फिर कोविड भी आ गया था बीच में, तो आपने उसके बाद आपने किस तरीके से आगे की जर्नी कंटिन्यू की थी? जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरे बैक ऑफ द माइंड एक ये प्लान था कि मैं यूपीएससी को एक अटेम्प्ट दूं, तो उसके लिए मैंने 2 इयर्स का गैप लिया, बट दैट नॉट वर्कड आउट फॉर मी। तो आफ्टर दैट मैंने फिर जॉब सर्च करना फिर से स्टार्ट करा। मैंने एक्सटेंसिव से पोर्टल पे मैंने देखा कि वैकेंसी है, तो मैंने उससे अप्लाई करा। एंड देन जब वहां से कॉल आई तो उस टाइम मैं लिंक्डइन पे वो एक्टिव थी, तो मैंने उस टाइम जो उस प्रोफाइल पे काम कर रहे मैंने उनसे कनेक्ट करा, उनसे गाइडेंस ली कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एंड मेरे जो प्रीवियस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस थे मैंने उससे अपना पूरा प्रिपेयर करा, एंड देन इवेंचुअली मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर पाई। ओके, सो राइट नाउ अभी आप जब एसेंचर में हो बैंगलोर लोकेशन के लिए, सो एसेंचर में जो ये प्रोफाइल है, बेसिकली इसका कुछ आइडिया आप स्टूडेंट्स को दे पाओगे? बिकॉज सीएफएम की प्रोफाइल में काफ़ी सारे वैकेंसीज आते रहते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में, कुछ भी अगर सजेशन टिप्स शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। क्वेश्चंस बताती हूँ कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपसे एक तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, तो आप ये अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपकी क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपकी क्या स्कूलिंग है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि तो इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल पता चल जाएगा। सो सेकेंड है आपके फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे। देन मुझसे ये पूछा गया था कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में पूछा गया था, एंड देन फिर प्रोफाइल के बारे में भी पूछा गया था कि आप इस प्रोफाइल के बारे में जानते क्या हो। एंड एंड उन्होंने खुद मुझे बताया कि इस प्रोफाइल में होता क्या है, बट आपको भी पता होना चाहिए कि आप किस प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो। ये नहीं कि ब्लाइंडली आपने अप्लाई कर दिया और आपको प्रोफाइल के बारे में आइडिया भी नहीं कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंड देन ये जो प्रोफाइल है मेरी एक्सटेंशन में, ये एक एफपीएनए प्रोफाइल है, तो इसमें यह है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट से लेकर कॉन्ट्रैक्ट एंड तक आपको वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करना पड़ेगा। तो इसमें आपको बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी कि जैसे कि आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, बजटिंग करनी पड़ेगी, प्राइसिंग करनी पड़ेगी, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो ये सारा है। तो मुझे इंटरनल ऑडिट में भी आइडिया था, बट मेरा इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा इस एरिया को भी ट्राई करूँ कि ये कैसा है। तो मुझे ये प्रोफाइल अब ज्यादा अच्छी लगी, आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद दिस प्रोफाइल ओनली फर्दर। ओके ग्रेट। सो प्राची, एग्जैक्ट पैकेज नहीं बट हाँ एक अप्रोक्स आइडिया स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि ऑफ कैंपस भी अगर आप एसेंचर में सिलेक्ट होते हो सीएफएम प्रोफाइल के लिए, तो क्या पैकेज ब्रैकेट रेंज उनका रहता है फॉर सीएमएच? सीएमएस आपको मिल जाएगा अगर आप एज अ फ्रेशर हो, 9 to 12 तो आराम से मिल जाएगा नाइन आपको। टू 12 LPA ऑफ कैंपस, ठीक है ग्रेट। सो प्राची, जब आप फाइनल क्वालिफाई किए और राइट नाउ अभी आप एसेंचर में हो, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड कभी कुछ ऐसा टाइम आया होगा जब लाइफ में चैलेंजेस फेस हुआ होगा अगेन? बिकॉज एक कॉर्पोरेट जर्नी एक अलग ही चैलेंज होता है, तो मतलब ऐसा कुछ आया था आपके माइंड में कभी कुछ चैलेंज या फेस हुआ था, तो वो सिचुएशन भी थोड़ा सा आप डिस्कस करो? बिकॉज चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में डेफिनेटली आता है, बट हम उसको कैसे फेस करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो चैलेंज ये आया था कि सीएमए क्वालिफाई करने के बाद जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो जॉब अप्लाई करो फिर उस हिसाब से प्रोफाइल नहीं मिलती, प्रोफाइल मिलती है तो उस हिसाब से पैकेज नहीं मिलता है।
तो इस टाइम पे आपको एकदम हसल बसल में नहीं रहना है. यू नीड टू बी पेशेंट कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल गेट अल्टीमेटली जो भी आप प्रोफाइल सर्च कर रहे हो वो मिल जाएगी. एंड सेकेंड इज मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन का, तो उसका भी उससे भी मैंने बहुत सी चीजें सीखी. एक तो सीएमए में तो हार्डवर्क वाली चीज तो पता थी, बट ये कि थोड़ा और भी चीजें कि यू नीड आपको मेंटली आपको थोड़ा स्ट्रांग यूपीएससी ने बहुत सिखाया. तो ये सब चीजें हैं कि यू नीड टू आपको पेशेंस में हमेशा रहना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, और स्पेशली हेल्थ पे ध्यान तो बहुत ही ध्यान देना चाहिए. ये चाहे जिस भी एज के, चाहे वो स्टूडेंट हो एंड आफ्टर क्वालिफाइंग एवरीवन, ये तो बहुत हेल्थ ही आपको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए. ओके ग्रेट। सो प्राची, आफ्टर दिस जर्नी, अगर कोई आपको बोलता है कि क्या हम मुझे सीएमए करना चाहिए, तो क्या आप सजेस्ट करोगे किसी को भी कि हाँ उनको डेफिनेटली सीएमए ज्वाइन करना चाहिए? डेफिनेटली सीएमए इज अ वेरी गुड कोर्स एंड यू शुड ज्वाइन दिस, क्योंकि अगर मतलब कि अगर इतना पॉपुलर नहीं है बट इट इज गेटिंग पॉपुलर एंड इसकी लोगों को नहीं पता, बट एवरी कंपनी नो, अगर दे आर हायरिंग दे नो व्हाट इज सीएमए, तो लोगों को नहीं पता डज नॉट मीन दैट सीएमए इज नॉट अ गुड कोर्स. बहुत अच्छा आंसर दिया है कि लोगों को नहीं पता, इसका मतलब सीएमए एक अच्छा कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, कंपनीज को पता है इसलिए कंपनी सीएमए को हायर कर रही है। ग्रेट। सो थैंक्स प्राची कि आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, और बच्चों को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस जर्नी को देखने के बाद। थैंक्स अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू रोहन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकूँ. थैंक यू सो मच. वेलकम वेलकम।